आज बनाएंगे बहुत ही जूसी, बहुत ही रसीली फ्रेश कोकोनट बर्फी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, 15-20 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक फ्रेश नारियल लिया है। इसका जो बाहर का छिलका होता है इसे पील कर लेंगे। सारे छिलके हमने हटा लिए हैं, इससे जो बर्फी बनेगी ना वो बहुत ही वाइट और स्मूथ बनेगी। अब इसे बहुत पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे, जिससे ये आसानी से मिक्सर ग्राइंडर जार में पिस जाए। अब इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लेंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें 1 कप नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। इसे अब 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। भूनने से जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो इसमें मॉइस्चर होगा वो भी कम हो जाएगा, और घी में भूनने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आएगा। नारियल बुरादा अब अच्छे से ड्राई हो गया है। इसमें अब 1 कप दूध डालेंगे। दूध में कोकोनट को अच्छे से मिला लेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध अब कोकोनट के साथ अच्छे से मिल गया है और गाढ़ा भी हो गया है। इसे 3-4 मिनट हो गए हैं दूध के साथ पकाते हुए। इसमें अब 1/2 कप चीनी डाल देंगे। हमने 1 कप नारियल बुरादा लिया था उसके लिए 1/2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। चीनी अब अच्छे से पिघल गई है। इसमें अब 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में ही सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें खोया डालें, मिल्क पाउडर भी खोया का ही काम कर रहा है इसमें। इसे लगातार चलाते रहेंगे। मिल्क पाउडर या खोया डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और दूसरा ये बाइंडिंग का भी काम करता है। इसे अच्छे से मिक्स होने तक चलाते रहेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए और आपस में इकट्ठी ना हो जाए। अब ये इकट्ठी होने लगी है और इसने कढ़ाई पे चिपकना भी छोड़ दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे 5 मिनट तक किसी तरह ठंडा होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। अब मैं एक ट्रे ले रही हूँ और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें एक बटर पेपर लगा दूंगी, इससे बर्फी आसानी से निकल जाती है। बर्फी को अब ट्रे में डाल दिया है, अब इसे अच्छे से फैला लेंगे और सेट कर लेंगे। अब इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल के गार्निश कर लेंगे। हमने इसमें बादाम और पिस्ता को लंबाई में पतला पतला काट लिया है, इन्हें भी प्रेस करके सेट कर लेंगे इसमें। अब इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रखेंगे या 1/2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी। बर्फी अब सेट हो गई है, अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी पसंद की शेप और साइज में कर सकते हैं। लीजिए तैयार है बहुत ही जूसी, बहुत ही रसीली, बहुत ही टेस्टी फ्रेश कोकोनट की बर्फी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।